ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है कोई भी एक अस्थिर चीज, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्लिटिंग, फ्लिटिंग का मतलब क्या होता है, अस्थिर। सेकंड है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके। थर्ड इज फैबल, फैबल का मतलब क्या होता है, कोई भी या तो दुर्बल या कमजोर इंसान। एंड लास्ट है हमारे पास फैंसीफुल, फैंसीफुल मतलब क्या होता है, काल्पनिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, फ्लिटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वोरेशियस, वोरेशियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लालची इंसान जिसके मन में क्या है, लालच बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट इज हंगरी, हंगरी का मतलब क्या होता है, भूखा। सेकंड इज हैस्टी, हैस्टी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में। नेक्स्ट हमारे पास थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब क्या होता है, प्यासा। एंड लास्ट वन इज ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग्रीडी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्परवियस, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रभावित ना हो, ठीक है, उस पर कुछ असर ना पड़े, तो वो क्या है, अप्रभावित। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, निडर, या इसको बोल सकते हैं कि गुस्ताख इंसान। एंड सेकेंड है हमारे पास हैफाजर्ड, हैफाजर्ड मतलब क्या होता है, लापरवाही से, लापरवाही से। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पेनट्रेबल, इसका मतलब क्या होता है कि जिसको भेद ना सके, ठीक है, अभेद्य, ठीक है, जिसके पार, जिसका पार ना लगाया जा सके। एंड थर्ड लास्ट है हमारे पास इलॉजिकल, इलॉजिकल का मतलब क्या होता है, अतार्किक, ठीक है, जिसका क्या है, कोई भी लॉजिक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास परुस, परुस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ध्यान से पढ़ना या उस पर क्या है, ध्यान लगाना या ध्यान देना, ठीक है, या किसी चीज को ध्यान से एग्जामिन करना। तो फर्स्ट है ओवर यूज, ओवर यूज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का बहुत ज्यादा उपयोग करना, यानी कि अति उपयोग करना। सेकेंड है एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब क्या होता है, जांच करना। एंड नेक्स्ट है हमारे पास अब्यूज, अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना या अपने पद का दुरुपयोग करना। लास्ट है हमारे पास डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को नकारना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एग्जामिन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब क्या होता है कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ठीक है। तो फर्स्ट इज फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना या दोस्त। एंड सेकेंड इज हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। थर्ड इज परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज में निपुण है, ठीक है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। एंड थर्ड लास्ट है हमारे पास जॉयस, इसका मतलब क्या होता है, आनंदित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉरस, पॉरस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्रों वाला, और उसके अंदर से क्या है कि हमारा लिक्विड पास हो सकता है, गैस भी पास हो सकती है। तो फर्स्ट है हमारे पास एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब क्या होता है, साहसिक, ठीक है, या जोखिम भरे जो काम करता है। सेकंड है हमारे पास परमिएबल, परमिएबल का मतलब क्या होता है, अगेन कि ऐसी चीज जो अपने आर पार किसको जाने दे, या तो लिक्विड को परमिट करे अपने आर पार, या गैसेस को क्या करे, परमिट करता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। थर्ड है हमारे पास पंजेंट, पंजेंट का मतलब क्या होता है, तीखा, यानी तीखे स्वर में। एंड फोर्थ वन इज कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है कि ठोस या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकें, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका आकार भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, परमिएबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंस्पिड, इंस्पिड का मतलब क्या होता है कि बेस्वाद, ठीक है, बेस्वाद या रुचिहीन, जिसमें हमारा क्या इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फर्स्ट इज स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब क्या होता है, मसालेदार या तीखापन। सेकंड इज ब्लैंड, इसका मतलब क्या होता है, बेस्वाद या नीरस। एंड थर्ड है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, रोचक। एंड फोर्थ वन इज वार्म, वार्म मतलब क्या होता है, गर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्वलेस, कॉन्वलेस का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमारे क्या हो, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, यानी कि स्वास्थ्य लाभ करना। तो फर्स्ट है हमारे पास डिमिनिश, डिमिनिश मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। सेकेंड इज एडमोनिश, एडमोनिश मतलब क्या होता है, किसी को चेतावनी देना, चेतावनी देना या किसी को डांटना। एंड नेक्स्ट है हमारे पास रिकवर, रिकवर का मतलब क्या होता है कि अच्छा हो जाना, अच्छा हो जाना। तो उसने क्या किया है, अपने स्वास्थ्य को रिकवर किया है, फिर क्या उसने का स्वास्थ्य क्या हो गया, अच्छा हो गया। एंड फोर्थ वन इज कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब होता है कि पहुंचाना, ठीक है, पहुंचाना या ले जाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिकवर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गार्बल, गार्बल मतलब क्या होता है कि किसी भी कार्य को भ्रमित तरीके से करना, ठीक है, भ्रमित तरीके से कार्य करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कंफ्यूज, कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, किसी को भ्रमित करना या छिपाना। सेकंड इज हाइड, हाइड मतलब क्या होता है, छिपाना, ठीक। थर्ड इज कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब क्या होता है कि अपनी बात को पहुंचाना, यानी कि बातचीत या संवाद इसको बोल सकते हैं।
लास्ट हमारे पास एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कंफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पिनेकल, पिनेकल का मतलब क्या होता है, शिखर या चोटी पर। ठीक, तो फर्स्ट हमारे पास कैप्सूल, कैप्सूल क्या होता है कि एक मेडिसिन का टाइप है। एंड सेकंड इज हर्ट, हर्ट मारने क्या होता है, दिल। थर्ड इज समिट, समिट मतलब क्या होता है, शिखर सम्मेलन। एंड फोर्थ वन इज पिट, पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, समिट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रुटलाइज, ब्रुटलाइज का मतलब क्या होता है कि किसी से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टिर, स्टिर मतलब क्या होता है, घुमाना। ठीक, सेकंड इज इल्ट्रीट, इल्ट्रीट का मतलब होता है गलत तरीके से व्यवहार करना या किसी को गलत तरीके से ट्रीट करना। सेकंड इज डिवाइस, डिवाइस का मतलब क्या होता है, उपकरण। एंड लास्ट वन इज स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब क्या होता है, हड़ताल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इल्ट्रीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्विकन, क्विकन का मतलब क्या होता है, तेजी से। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, पहले स्लो कर रहे हैं, फिर हमने उसको क्या किया, तेजी से करना स्टार्ट किया, तो क्विकन। तो फर्स्ट वन इज एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, तेजी से। ठीक है, वही सेम, पहले हम स्लो पेस में काम कर रहे थे, फिर हमने उसको क्या किया, एक्सेलरेट कर दिया। सेकंड इज डिले, डिले मतलब क्या होता है कि देरी, डिले मतलब देरी। थर्ड इज हिंडर, हिंडर मतलब क्या होता है, बाधा। एंड फोर्थ वन इज स्टॉप, स्टॉप मतलब रोकना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्विकन का एक्सेलरेट। नेक्स्ट अगेन वर्ड क्या हमारे पास, ट्रांजियंट, ट्रांजियंट का मतलब क्या होता है, अस्थिर। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो फर्स्ट है टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, अस्थिर। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, टिकाऊ। ठीक है, जो लंबे समय तक चले। थर्ड इज टाइमली, टाइमली का मतलब क्या होता है कि ठीक समय पर, ठीक समय पर। एंड लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टेम्पररी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंपनशेट, कंपनशेट मतलब क्या होता है, किसी चीज की भरपाई करना या क्षतिपूर्ति करना। तो फर्स्ट है हमारे पास कंपाइल, कंपाइल का मतलब क्या होता है, संग्रह करना या इकट्ठा करना। ठीक, एंड सेकेंड है हमारे पास मेकअप फोर, मेकअप फोर का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना। एंड थर्ड है हमारे पास रिजल्टिन, रिजल्टिन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का कारण बनना। ठीक है, का कारण बनना। एंड लास्ट हमारे पास कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेकअप फोर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब क्या होता है कि पलटकर हमला करना, पलटकर हमला करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ करना। सेकंड है करप्ट, करप्ट का मतलब क्या होता है, भ्रष्ट। थर्ड है हमारे पास एवेंज, एवेंज मतलब क्या होता है, प्रतिशोध लेना। लास्ट है हमारे पास रिजॉयस, रिजॉयस मतलब क्या होता है, आनंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अवेंज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी। ठीक, तो फर्स्ट है हमारे पास एंडेमिक, एंडेमिक मतलब क्या होता है, स्थानिक चीज कोई भी। सेकंड है लोकल, लोकल का मतलब क्या होता है, स्थानीय। थर्ड है हमारे पास वाइड स्प्रेड, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या है, दूर दूर तक फैल जाए, दूर दूर तक फैला हुआ। एंड फोर्थ वन इज नेचुरल, नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वाइड स्प्रेड। क्यों? क्योंकि जो महामारी होती है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रीजन में ही होगी, थोड़े से, वो क्या बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए उत्सुक होना। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब क्या होता है, संदेहास्पद। ठीक है, सेकंड है इंक्यूजिटिव, इंक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। ठीक है, थर्ड इज सैड, इसका मतलब है दुखी। एंड फोर्थ वन इज सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब संदेहास्पद वाली चीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या है, ईमानदार। सेकंड है हमारे पास ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब क्या है, लालची। थर्ड है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, बेईमान। एंड लास्ट है हमारे पास सेक्रेटिव, सेक्रेटिव का मतलब क्या होता है, गोपनीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फोरसेकन, फोरसेकन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का क्या करना, पूर्णतया त्याग कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट इज नर्चर्ड, नर्चर्ड मतलब क्या होता है, पालन पोषण किया। सेकंड इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है, किसी को हमने क्या किया, उपेक्षित किया है, या उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, नजरअंदाज। थर्ड इज पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ किया। ठीक है, लास्ट वन इज अबेंडेंड, अबेंडेंड मतलब क्या, पूर्णतः से त्याग दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। लास्ट वर्ड है हमारे पास विवेशियस, विवेशियस का मतलब क्या होता है कि जोशपूर्ण। ठीक है, या बोल सकते हैं कि जिंदा दिल इंसान।
तो फर्स्ट है लॉन्ली, लॉन्ली का मतलब क्या होता है अकेला। सेकंड है लाइवली, लाइवली का मतलब क्या होता है एकदम दिलचस्प इंसान, ठीक है, या उसको हम क्या बोल सकते हैं जिंदा दिल इंसान। थर्ड है हमारे पास ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है सुंदर। एंड फोर्थ वन इज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान क्या है कि वो अपने विचारों में डूबा हुआ है, यानी कि वो विचार मग्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है लाइवली। तो फाइनली अभी तक हम 480 वर्ड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।